सारी वजह है जिसके कारण आज स्टॉक में मूवमेंट है, लेकिन स्टॉक लेवल दिख रहा है राजेश को। राजेश, क्या करना चाहिए, लेवल्स पर एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए? तो देखिए, ये लो टिकट साइज स्टॉक है दोनों, तो हम एक्टिवली तो इनको ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर मैं इसको प्योरली टेक्निकली देखें तो जो फॉर्मेशन बने हैं जेपी एसोसिएट में, अब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो इसमें बने थे अप्रैल में, उसको आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है हम यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक में आज की क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर अब यहाँ से क्रॉस करते हुए दिखता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो इसके बन के आना चाहिए वो करीब बनेंगे इसके यहाँ पे 18 रुपए से 20 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास अभी यहाँ पे जेपी एसोसिएट पे पोजीशन है, बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस रखे करीब 10 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के आसपास, ये स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखा जा सकता है। और अपसाइड में 12 रुपए 40 पैसे के ब्रेकआउट के बाद इसमें नेक्स्ट टारगेट 18 रुपए तक बनते हुए दिख सकते हैं। जेपी पावर को अगर हम देखें तो स्टॉक में भी काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है, ये फोर्थ डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है, अब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे इसमें सितंबर में के मंथ में ही अराउंड 9 रुपए 50 पैसे के आसपास, उसकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में इमीडिएट टारगेट तो 9 रुपए 50 पैसे के आसपास है, लेकिन अगर वो प्राइस का ब्रेकआउट वहां से रजिस्टर करता है स्टॉक, तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 14 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो जेपी पावर में भी जिनके पास पोजिशन है बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 8 रुपए 20 पैसे के आसपास। जेंटलमैन, बड़ी मूव के पीछे रीजन क्या है, बड़ा रीजन क्या है? सीमेंट सेक्टर से एक बड़ी खबर है ये, और ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि जेपी सीमेंट के असेट खरीदने की दौड़ में अदानी ग्रुप सबसे आगे है। डिटेल्स एक बार हमसे एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है और शरद इस पर और डिटेल्स शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। एक बार पहले शरद से इन्फॉर्मेशन पूरी समझते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं, फिर एक बार राजेश से चार्ट चेक भी करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि अदानी ग्रुप जो हैं वो इंटरेस्टेड है और बिड कर रहे हैं जेपी ग्रुप्स के सीमेंट एसेट्स को लेके। अब याद रखिएगा कि कंपनी जो है अदानी ग्रुप ऑलरेडी अक्वायर कर रहे हैं सीमेंट स्पेस पे, एक्विजिशन एसीसी और अंबुजा में देखने मिले हैं, और जेपी ग्रुप जो है खुद एनसीएलटी में है और उनकी जो डेट लेवल्स है 25,000 करोड़ रुपये के लिए है। और आज ऑफकोर्स दो अहम बोर्ड मीट्स भी चल रहे हैं जहाँ पर डाइवेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है डिस्कस करने वाले जेपी ग्रुप की दो कंपनियाँ, जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर को लेके। और जेपी ग्रुप की जो अगर बात करें सीमेंट कैपेसिटी की, तो लगभग 10.5 मिलियन टन्स पर एनम की है और एक कैप्टिव कंजम्पशन की उनके एक पावर यूनिट भी है। अदानी ग्रुप ने जो है ईटी नाउ स्वदेश के जो है क्वेरीज को जो है अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। और याद रखिए, लगभग 50% से ज़्यादा जेपी ग्रुप की जो सीमेंट कैपेसिटी है वो सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का भी एक अच्छा एक्सपोजर देखने को है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो शरद हमें समझा रहे हैं, ये बड़ी वजह है जिसके कारण स्टॉक में मूवमेंट है, लेकिन